मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र जिस तरह से हंगामे के बीच शुरू हुआ उसने ये साफ कर दिया है कि यह मानसून सत्र आगे आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने श्रद्धांजलि सभा के बीच में ही आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर तीखी बहस भी हुई। वहीं निधन उल्लेख के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग को लेकर कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया। इसके पहले कांतिलाल भूरिया और आदिवासी विधायकों ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। ये सभी विधायक आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे थे। श्रद्धांजलि सभा शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन में नारे लगाए। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कमलनाथ के आदिवासी दिवस की श्रद्धांजलि देने पर जोरदार हंगामा हुआ। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, किसी दिवस की श्रद्धांजलि होती है क्या? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस दिवंगत को श्रद्धांजलि के नाम पर घटिया राजनीति कर रही है। शिवराज ने घोषणा की है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाएंगे और अवकाश भी रहेगा। शिवराज ने कहा, यह भाजपा की सरकार थी जिसने आदिवासी भाई बहनों के विकास के लिए कार्य किया। भाजपा ने ट्राइबल बेटे बेटियों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था के साथ उनके विकास के बारे में सोचा। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उन्होंने अवकाश रखा था, लेकिन शिवराज सरकार ने उसे बंद कर दिया। कांग्रेस ने आदिवासी दिवस के मौके पर सभी क्षेत्रों के लिए पैसा निर्धारित किया था। कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया, जनजाति आदिवासी नेताओं का अपमान किया। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। लेकिन भ्रम फैलाने के लिए, घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है, आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए, उसमें छुट्टी घोषित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी जनजाति समाज की, हमारे ट्राइबल्स की, भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस आज घड़ियाली वहां सुधार रही, अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाया तो कौन ने बनाया? इतने साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, मंत्रालय बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। जो हमारे जनजाति नायक थे, रानी दुर्गावती जी, टंटा भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनके समाधि स्थलों पर स्मारक का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की जब सरकार रही है 10 सालों तक लगातार, दिग्विजय सिंह जी ने भर्तियां नहीं की। आज बैकलॉग की बात करते हैं, पद खाली रहते थे कांग्रेस की सरकार के कारण। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है आज नेता प्रतिपक्ष से, पेशा एक्ट लागू किया, फिफ्थ शेड्यूल पर कितना काम किया कांग्रेस? केवल आंसू बहाना, केवल भ्रम फैलाना। अगर गांव गांव में आश्रमशालाएं और छात्रावास खोले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। हम थे जिनने ये फैसला किया कि हमारे ट्राइबल बच्चे अगर प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो फीस चाहे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया साल हो, हम भरवाएंगे।
उन बच्चों की फीस हम भरवा रहे हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया वनोपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदना हमने प्रारंभ किया। लाखों लोगों को पट्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आज मैं कहना चाहता हूं हमारे ट्राइबल्स भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़े। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उस दिन भी छुट्टी रहेगी और पूरे प्रदेश में जनजाति संस्कृति परंपरा और जीवन मूल्यों के लिए, रोजगार और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। हमारे जनजाति भाई बहनों के कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं कमलनाथ जी और कांग्रेस की निंदा करता हूं कि केवल भ्रम फैलाने के लिए घड़ियालू आंसू बहा के सदन की परंपराओं को जो तार तार किया है, अपमानित किया है दिवंगत नेताओं को, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। आगे बैठने से भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी, हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वह अपना त्यौहार मनाए। ये विश्व आदिवासी दिन, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिन, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो इस सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि दिया था। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज आदिवासी समाज को हुआ है। हंगामे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष ने ये नई रीति शुरू कर दी है, श्रद्धांजलि सभा में मुद्दे नहीं उठाए जाते। हमने सदन में कई आदिवासी नेताओं को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन कांग्रेस ने हंगामा किया। कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों के लिए क्यों नहीं शोर मचा रही? कमलनाथ कभी मुर्दों से बात करते हैं तो कभी 1 लाख का डाटा बताते हैं। आदिवासी नेता और मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 17 सालों में आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा की अटल बिहारी सरकार में आदिवासियों के लिए कई योजनाएं बनाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के कल्याण के लिए बड़े कार्य किए। कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है, ढोंग कर रही है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। देखो, स्तरहीन कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि वो भी लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे, वो बार बार अपने आप को लंबा संसदीय इतिहास की बात करते हैं। अब संसदीय इतिहास आपका लंबा है तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करो। जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना श्रद्धांजलि के बाद, क्या 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है, 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते हैं। क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते? क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती इसी विषय को लेकर? की जा सकती है, लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? क्योंकि इनके पास अब डिबेट करने वाला ही नहीं बचा सदन में, अन्यथा डिबेट करें। चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आज वर्तमान में, आज की तारीख में एक हमारे उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाही है। बाढ़ पर चर्चा नहीं, बाढ़ पर हंगामा नहीं। क्या वहां जनजाति के लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या बाकी के लोग वहां प्रभावित नहीं हुए? लेकिन कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा आपको कभी उठाते ही नहीं मिलेंगे, मेरा ये आरोप है। और मैं मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। उन लोगों का ये कहना गलत है कि आज शासन आदिवासियों के दिवस पर अवकाश नहीं दिया। सबसे बात पहले बात तो मैं कहूँगा कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। 40-50 साल तक
हम लोग मांग करते रहे कि देश में अनुसूचित जनजाति विभाग का स्थापना होनी चाहिए और 60 साल तक इन लोगों ने भारतवर्ष में ये विभाग की स्थापना नहीं की। आज ये विभाग की स्थापना अगर दिल्ली में मंत्रालय बना तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। आज जितने हमारे 89 ब्लॉक हैं, जितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और वहाँ पे जितने प्राथमिक पाठशालाएँ भारतीय जनता पार्टी ने खोला, कांग्रेस पार्टी आज तक कभी नहीं किया। मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने करने का कुत्सित षड्यंत्र किया है। आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने पिछले समय जब मुख्यमंत्री थे इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। आदिवासी ब्लॉकों को 1-1 लाख रुपया ये आदिवासी दिवस मनाने का दिया था और आदिवासियों के वो ब्लॉक जो राजस्व में आते हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये दिए थे कि आप अपना आदिवासी दिवस मनाओ। साथ में बर्तन दिए, खाना आना बनाने का तमाम सारी चीज़ें दी। लेकिन ये हालात है शिवराज चौहान के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये भाषण वीर मुख्यमंत्री आदिवासी अनुसूचित जाति को सब्ज भाग दिखाता है, करता उसका उल्टा है। इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की, उल्टे आदिवासी ब्लॉकों में 144 धारा लगा दी कि आदिवासी भाई बहन इकट्ठा ना हो पाए, वो अपना आदिवासी दिवस ना मना पाए। कोई धनराशि उन लोगों को नहीं दी। ये 2 करोड़ आदिवासी समय आक्रोशित है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने श्रद्धांजलि सभा में हंगामे को लेकर कहा कि कांग्रेस ने दिवंगत आदिवासी नेताओं को श्रद्धांजलि देते समय हंगामा किया, यह आदिवासियों का अपमान है। सदन में 6 आदिवासी नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सरकार में आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया गया, कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हंगामे पर कांग्रेस को निशाने में लिया और कहा कि कांग्रेस को सदन की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के समय आदिवासी वर्ग परेशान था। दिग्विजय सिंह ने कई दिनों तक पीएससी नहीं ली, भर्तियां दबाकर बैठे रहे। शिवराज सरकार में मेडिकल, इंजीनियर और आदिवासी समाज से जुड़े कई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया। कांग्रेस चुनाव के चलते सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस के विधायकों और खासकर नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार से उस पर कुठाराघात हुआ। चाहे कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, हमारे यहाँ की यह गौरवशाली परंपरा रही है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में जिन विशिष्ट लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये श्रद्धांजलि हमारे श्रद्धा सुमन होते हैं उन महानुभाव के लिए जो हमारे बीच में नहीं रहे, और ये परंपरा रही है कि उस बीच में कभी भी कोई विवाद नहीं होता, कोई राजनीति नहीं होती, क्योंकि सत्र कोई आज ही समाप्त न होने वाला नहीं था, सत्र आगे भी चलने वाला है। पर कांग्रेस जिस प्रकार से आज अपना व्यवहार यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है और खासकर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विधानसभा की परंपराओं को तार तार किया है, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह हंगामा करने की कोशिश की, केवल मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए उन्होंने ये काम किया। और जिस मुद्दे को लेकर वो बातचीत कर रहे थे, उस श्रद्धांजलि जिनको दी जा रही थी, उस वर्ग के भी बहुत सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने की लिस्ट में नाम शामिल थे। निश्चित रूप से ये कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक व्यवहार है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। देखिए, जहाँ तक आदिवासी हितों की बात है, तो जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में जो काम हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए हुआ है, शायद कांग्रेस कभी 50 साल में भी उन्हें नहीं किया है।
और आज इस श्रद्धांजलि के नाम पर कैसी विधानसभा में कैसी राजनीति खेली जा रही थी आप सबने भी देखा होगा, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। आदिवासी देश पूरे विश्व में मना रहे हैं लोग, और मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों का जो 9 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण है वो उत्साह मनाते, मिलना जुलना सब होता है, पर इस मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने वो 9 तारीख के आज उन्होंने बनाने से कैंसिल कर दिया और पूरे जिलों में 144 धारा लगा दी। ऐसा कौन सा वादा था कि अपना पूरे आदिकाल से मतलब लोग मनाते आ रहे हैं, पूरे विश्व मना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों अपना मुख्यमंत्री जी ने किया, शिवराज जी ने किया, 144 धारा लगा दी और जो भी 5 से ज़्यादा आदिवासी इकट्ठे उसको गिरफ्तार कर लो, ये सारी चीज़ें, तो उसका हमारी घोर आपत्ति है। इस बात को हमने विधानसभा में कहा, बाहर भी कहा, तो ये सरकार कुल मिलाकर आदिवासी विरोधी है। देखिए, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 6-6 आदिवासी नेता जो जनप्रतिनिधि थे, साथ में अनुसूचित जाति के नेता जो सदन के जनप्रतिनिधि थे, जिसने भारत को सुरमौर बनाया, मिल्खा सिंह, जिनको भारत के विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया, उनकी भी यहाँ पर आज श्रद्धांजलि होनी थी। राजनीति 12 महीने 24 घंटे नहीं होती, उस समय मानवता जिंदा होनी चाहिए, और भारत की ये परंपरा कहती है कि हमारा दुश्मन भी जब हमारे बीच में से जाता है तो उसकी अच्छाइयों का जिक्र होना चाहिए। जब अच्छाइयों का जिक्र सदन में करने का आया, जब आदिवासी नेताओं की उपलब्धि बताने का वक्त आया, जब अनुसूचित जाति के नेताओं की उपलब्धि बताने का वक्त आया, जब मिल्खा सिंह जी की उपलब्धि बताने का वक्त आया, तब कांग्रेस ने एक ओछा व्यवहार इस सदन के अंदर किया है। मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि होती, उनके प्रति जवाबदेही होती, और उसके बाद फिर सदन में जो होता है, कल भी सदन है, परसों भी सदन है, और भी सदन चलाया जा सकता है। आप बैठते हैं वहां पर सर्वदलीय कमेटी में, उसमें आप मांग कर लेते, और आज जो व्यवहार किया है, इन मध्य प्रदेश की परंपरा टूटी है और मृत आत्माओं का अनादर हुआ है। आज मानसून सत्र का पहला दिन था और वो भी हंगामे के बीच बीता। विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया, विपक्षी पार्टी ने हंगामा किया, सर कैसे, किस तरह देखते हैं, नई परंपरा शुरू हो गई क्या? देखिए, मेरे 32 साल के राजनीतिक जीवन में विधानसभा जैसे पवित्र सदन में आज जब हमारे पूर्व साथी जो कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे और उसमें आदिवासी भी थे, उनको जब विनम्र श्रद्धांजलि देने का मौका आया, और उस समय ऐसे अगंभीर व्यक्ति, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरीके से अपने परिचय दिया और अपने आचरण का, अपने नैतिकता का, मैं समझता हूँ उतने बड़े व्यक्ति के लिए मैं कोई शब्द इस्तेमाल करूँ अशोभनीय था, और निश्चित रूप से विरोध जताने लायक था। राजनीति के माध्यम से वो आज इस दिवस पर ये कहना चाहते थे कि भाजपा आदिवासी विरोधी है। अरे, आदिवासी विरोधी भाजपा होती, पूछो उनसे, जिन्होंने 4 साल से 6 साल तक PSC की परीक्षा नहीं ली और उन आदिवासी बच्चों का नुकसान हुआ, तो आदिवासी विरोधी कौन हुआ? हम तो हर साल अब परीक्षा शुरू करवा रहे, लेकिन जो 4-6 साल बीच में नहीं हुई उसका दोषी कौन? जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसकी फीस लाख लाख रुपए साल की, 50 लाख 60 लाख रुपए जिसकी फीस लगती है, हिंदुस्तान में कौन सी सरकार है जो आदिवासी बच्चों की फीस भरती है प्राइवेट कॉलेज की? केवल भाजपा की सरकार है। मैं ट्राइबल मंत्री रहते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से, इन्हीं मुख्यमंत्री से, भाजपा के काल में आज हजारों बच्चे जिनकी फीस लाख लाख रुपए है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, और केवल फीस नहीं, पॉकेट मनी 1000 रुपये की व्यवस्था जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, ऐसे बच्चों को विकास के लिए विदेशों में पढ़ाना, दिल्ली में पढ़ाना, उनके सर्वांगीण विकास की जो नीति बना करके उसको धरातल पर उतारना, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर कमलनाथ जी में और कांग्रेस पार्टी में दम है तो आदिवासियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए कौन सी पार्टी ने क्या किया, आप जब बुलाओगे मैं चैनल पर आने को तैयार हूँ, आ जाए कमलनाथ जी, आप जब बुलाओगे मैं जिस चौराहे पर, जिस जिले में, मैं तुलनात्मक रूप से हमारे काम के माध्यम से बताऊंगा कि हम आदिवासी हितेशी। आज तो आदिवासी जो दिवंगत आदिवासी हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी गई, फिर क्यों ऐसा विरोध हुआ? देखिए, क्यों किया है तो वो जाने, केवल राजनीति करना जानते हैं। कमलनाथ जी बोलते हैं कि उनका लंबा अनुभव रहा सदन में। कमलनाथ जी का क्या रहा क्या नहीं रहा ये सब आप जानते हैं। कमलनाथ जी जनप्रिय नेता होते और जनता के विकास के कार्य होते तो आज जमीन पर नहीं होते।
तो ये थे हमारे साथ मंत्री कुंवर विजय शाह जी, इनका साफ कहना है कि भाजपा जन हितैषी है और आदिवासी हितैषी है। कई योजनाएं लाए हैं भाजपा की पार्टी ने, कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, धरातल पर उतारा है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो चाहे पीएससी का हो, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।